वेलकम। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मशरूम पुलाव। उसके लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है वो हम पहले ले लेंगे। तो मशरूम है जिसको हम अच्छी तरह से वॉश करके उसको लंबा लंबा कट कर लेना है। ऑयल, स्वाद अनुसार नमक, हमने ग्रीन पीस लिए हैं, फ्रोजन ग्रीन पीस, राइस, ऑनियन चॉप्ड करना है हमको, ये तेज पत्ता लिया है, लौंग लिया है हमने, और सिनेमन स्टिक ली है हमने। लौंग को आप आगे का ये जो हिस्सा है वो ऐसे तोड़ के ले लें, क्योंकि ऑयल जब गर्म हो तब आप डालें तो चिटके नहीं आपके और चलने का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि लौंग जब आप ऑयल में गर्म गर्म ऑयल में डालते हैं तब वो चटक से बाहर आ जाता है और उससे आपको बर्न होता है, तो वो नहीं होगा। तो पहले आप लौंग के आगे का जो हिस्सा है वो इसमें तोड़ के आप लौंग ले लें। जीरा लेना है, रेड चिली पाउडर, पानी लेना है जिसको हम उबाल के पानी को उसके अंदर हम थोड़ा सा सोल्ट, लेमन जूस डाल के गैस बंद कर देंगे और जो मशरूम हम लंबा लंबा कट करेंगे वो हम उसमें डाल के ढक के रख लेंगे। और ये जो राइस है उसको आपको बॉईल नहीं करना है, राइस को हम अच्छी तरह से धो के आधे घंटे पानी में भिगो के रखेंगे और उसके बाद हम यूज़ करेंगे। तो राइस को आप आधा घंटा पानी में भिगो के रख ले पहले और ये पानी उबाल के बंद करके गैस मशरूम काट के अंदर रख ले। उसके बाद हम उसके ग्रेवी बनाएंगे, कैसे पुलाव बनाएंगे वो। तो ये हो गई हमारी सब इंग्रेडिएंट्स। अब हम कैसे पुलाव बनाएंगे वो आपको दिखाएंगे। ऐसे पहले आप उबाल लें और फिर गैस बंद कर दें और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालें और लेमन या लाइम जूस थोड़ा सा मिक्स करके उसको, फिर जो मशरूम हमने कट करके रखे थे वो मशरूम हम डाल देंगे अंदर और फिर उसको थोड़ी देर अंदर रख लेंगे। आप मशरूम को ऐसे थोड़े से पुश कर लो तो वो अंदर जाएंगे और फिर उसको ढक के थोड़ी देर रहने दो। तब तक हम उसको वगार करेंगे पुलाव का। मैं तेल ले लिया है, उसके अंदर हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा जैसे चटकने लगे आप ये तमालपत्र, सिनेमन स्टिक और लौंग डाल दें और अच्छी तरह से उसको हो जाए। उसके बाद गार्लिक जिंजर पेस्ट हम डालेंगे। गार्लिक जिंजर पेस्ट आप थोड़ी सी डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें उसको। उसके बाद हम कटी हुई ऑनियन डालेंगे, छोटी छोटी बारीक कटी हुई ऑनियन, उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक हमने मशरूम में भी थोड़ा डाला है, राइस डालेंगे तब भी हम थोड़ा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है। तो थोड़ा सा नमक आप डाल दें और फिर उसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स करें। ऑनियन वेजिटेबल जैसे हमने आपको बोला कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल, फ्रेश पेपर और मटर, कोई भी थोड़ा सा मिक्स करने के बाद उसके अंदर चावल जो हमने आधा घंटा भिगो के रखा था उसको हम बाद में पानी में से निकाल देंगे और साइड में रख लेंगे। तब तक हम ये ऑनियन हमारा हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा। और आप देख रहे हैं मशरूम कलर चेंज हो गया है, तो ये मशरूम का पानी भी आप निकाल के, उसको फेंकना नहीं है, मशरूम निकाल के मशरूम का पानी एक तरफ रख लें, वो हम ये राइस में अंदर डालने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ी सी आप ऑनियन पकने दें। ऑनियन हमारी पक गई है, तो जो चावल हमने निकाल के रखे हैं
पहले हम मशरूम डाल देंगे। मशरूम को फिर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, इसको मशरूम को मिक्स करेंगे पूरा मिक्स हो जाए। जो बचा हुआ पानी है वो हमने एक साइड में निकाल लिया है और ये मशरूम अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लें। और ये जो राइस है वो हमने पानी में से निकाल दिया है बिल्कुल, तो इसको हम डाल देंगे अंदर और फिर उसके अंदर हम थोड़ा सा उसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा नमक इसमें डाल दें, थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर उसके अंदर ये जो हम चीज़ फ्रोजन और मिक्स वेजिटेबल्स वो हम मिक्स करेंगे पुलाव में। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे हम, आप जितना स्पाइसी खा सकते हैं उस हिसाब से आप लें। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मिक्स कर लें और थोड़ा सा गरम मसाला। हल्दी आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला करीबन 1 टीस्पून जितना, और उसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करें। हल्दी पाउडर हम थोड़ा सा डालेंगे एज अ थोड़ा कलर हो उसके लिए, तो ये थोड़ा सा मिक्स कर लें। उसके बाद ये बहुत ही जल्दी बन जाता है राइस पुलाव और टेस्ट भी उसका बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये जो मशरूम का पानी है वो हम अंदर ऐड कर देंगे और फिर उसको थोड़ा सा हिला के उसको 4 से 5 मिनट तक उसको अच्छी तरह से पकने देंगे, 10 मिनट तक। और फिर आप देख लें चावल पक गए हैं कि नहीं, वो बीच में खोल के तो स्लो फ्लेम पे उसको 5 से 10 मिनट तक उसको पकने दें ढक के। ये आप देख रहे हैं 5 या 10 मिनट मिनिमम, उसके बाद ये आप उसको हल्के हाथों से फोक से ऐसे मिक्स कर लें और फिर 2 मिनट तक आप उसको बंद करके अच्छी तरह से 2 मिनट उसको बंद करके रख लें, गैस बंद कर दें और 2 मिनट ढकने के बाद उसको आप सर्व कीजिए। तो 2 मिनट के बाद ढक के आप उसको डिश में गर्मा गर्म निकाल के ऊपर से कच्ची स्प्रिंग ऑनियन करी अंडा कट करके आप डेकोरेशन करके आप उसको सर्व कर सकते हैं योगर्ट के साथ। इसे ऐसे ही आप खा सकते हैं, योगर्ट के साथ भी खा सकते हैं और प्लेन पुलाव भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और यमी पुलाव लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है मशरूम पुलाव। तो ये हमारी आज की डिश मशरूम पुलाव रेडी है, तो ज़रूर आप इसको बनाइए खाइए। थैंक यू वेरी मच।